स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द अव्वल अकैडमी ऑफ एजुकेशन अव्वल अकैडमी ऑफ एजुकेशन विच थोड़ा एक बार फिर स्वागत है। आज अपना पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड PSEB की क्लास दसवीं द मैथ का जो यूनिट 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करांगे। 1.2 तुसीं साढ़े पुराने वीडियो देख चुके हो। हूँ जिदा मैं कहना कि सब तो पहला बेसिक चीज़ इस यूनिट्स विच क्या चलेगी, ये तुहाड़े मैथ की प्रमेय 1.3 चलेगी कि मान लो पी एक अपाज संख्या है अते ए एक धनात्मक संपूर्ण संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जेकर पी इस दे स्क्वेयर नूं भाग करेगी व वंडेगी तो पी ए नूं भी भाग करेगी। इसी बेस के उपर ए जो है तुहाड़ी एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है जी। हूँ आप डायरैक्ट वो अगे चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 च। इसका पहला क्वेश्चन की है, प्रश्न 1 वो है जी, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो के √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, ये अपने सिद्ध करना, ठीक है जी। हूँ इसनों सिद्ध करन लई अपा क्या करांगे, क्या कर सकते हैं इसका हल। तो असी इस दे उल्ट मान लवांगे कि रूट एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। मान लो √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है जी। ये अपने मान लिया। हूँ असी दो संपूर्ण संख्यावां आर अते एस इस तरह पता कर दे हाँ कि असी दो संपूर्ण संख्यावां होल नंबर आर ते एस इस तरह मानते हाँ, पता करते हाँ कि √5 जो है आर बटे
एस होवे जिथे एस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, एस जीरो के बराबर नहीं है। ये आप जानते ही हाँ, आप रैशनल नंबर च कर पहला, ठीक है। हूँ मान लो अगला स्टेप अपना यह होया कि मान लो ये को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम का मतलब है मान लो आर अते एस विचकार, ये तुहानू समझाने वास्ते लिख रहे हैं, एक तो इलावा कोई को प्राइम नंबर हैं, पर इन तो इलावा एक तो इलावा कोई हो को प्राइम नंबर क्या होगा जिन्हें सिर्फ एक ही साझा गुणखंड होएगा। पर अपना ये मान रहे हैं, इस लिए लिख के दस रहे हैं कि मान लो आर एस आर ते एस दे विचकार एक तो इलावा कोई होर साझा गुणनखंड गुणनखंड है, एक तो इलावा साझा गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर हूँ असी इस सांझे गुणनखंड नूं आर ते एस नाल भाग करांगे, ठीक है। देयरफॉर रूट फाइव इक्वल टू ए बटा बी, ठीक है, जिथे जिथे ए अते बी जो है आपस विच सह डिवाइड नहीं होंगे अपाज हैं, आपस विच नहीं कटते, ठीक है। ए अते बी जो है एक दूजे नाल नहीं कट रहे, ठीक है। देयरफॉर हूँ इनू आप सॉल्व करांगे, ए दे नाल क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बी गुणा रूट फाइव बराबर ए आ गया इत्थे, ठीक है। बी गुणा रूट फाइव बराबर ए, ठीक है। एनी चीज़ तुसी नोट डाउन करो, बी गुणा रूट फाइव बराबर ए। हूँ इस तो अगे चलिए आप, थ्योरम लिखी रहन देंगे ताकि तुहाडे काम आएगी अगे समझने च। हूँ आपने कर लिया जी बी गुणा रूट फाइव इक्वल टू ए, ये चीज़ आपने कर ली सी, ठीक है। हूँ दोवें पासे वर्ग करण ना, ठीक है जी। हूँ आपू वर्क कर देंगे, बी रूट फाइव का वर्ग स्केयर ए का स्केयर, ठीक है। तो ये कट गया दे नाल, क्या बन गया है पाँच बी स्केयर रह गया इत रह गया जी ए स्केयर, ठीक है जी। तो फिर देयरफॉर देयरफॉर
पांच जो है ए स्केयर नू वंड रहा है, कट रहा है, ठीक है। देखो उपर देयरफोर इतने है क्योंकि पांच ए स्केयर नू वंड रहा है, वंडदा है, देयरफोर पांच ए नू भी वंडे। आ गई उपर वाली थ्योरम, वंडेगा या भाग करेगा, ए नू भी भाग करेगा या वंडेगा, ठीक है। इस करके अपना देयरफोर ए बराबर पांच सी भी लिख सकते हैं, जिथे जिथे सी कोई संपूर्ण संख्या है, हम सी कोई संपूर्ण संख्या होगी, ठीक है। हूँ इत जरा पोर्शन है तुसी इत्थे समझ लियो कि हूँ ए बराबर पांच सी आ गया, ठीक है। हूँ इस विच अपना रख देंगे ए दा मुल, इत्थों एक तो ए दा मुल रखन ना, ठीक है जी। हुण जो एक समीकरण है उत्थों अपां ने ए दा मुल एहदे विच रख देना, ए दा मुल की सी पंज बी स्केयर, ठीक है जी। ए दा मुल की सी पंज बी स्केयर, ए दा मुल सॉरी ए स्केयर दा मुल सी पंज बी स्केयर, ठीक है। तो हुण अपने कोल बन जाएगा फिर पंज बी स्केयर, इत्थे इहदी थावें लिख देंगे इहदा स्केयर कर देंगे, बराबर है पच्ची सी स्केयर, ठीक है। तो उही चीज़ इत्थे भी आ गई, देयरफोर बी स्केयर हो गया जी पंज सी स्केयर दे बराबर हो जाएगा, पंज पंजा पच्ची कट गया, ठीक है। देयरफोर हुण आपां की कह सकते हैं, देयरफोर पंज जो है, पंज जो है पंज बी स्केयर बराबर है पच्ची सी स्केयर नू वंडदा है, देयरफोर पंज बी नू भी वंडे। ये चीज़ इन्नी गल समझ आ गई होनी तुहानू, जो क्योंकि पंज बी स्केयर पच्ची सी स्केयर नू वंडदा है, इस करके यह पंज बी नू भी वंडेगा, ठीक है। हुण ए अते बी दे विचकार हुण ए अते बी दे विचकार घट तो घट एक सांझा गुणनखंड क्या है जी, पंज है। जदों वंडता उन्हें तो इसका मतलब
वो सांझा गुणन खंड क्या होगा जी, पांच। पर आप इत्थे कह रहे हैं क्योंकि ए ते बी दे विच एक तो इलावा कोई सांझा गुणन खंड नहीं है, ये अपन ने पिछे लिखा सी क्योंकि ए अते बी विच एक तो इलावा कोई भी सांझा गुणन खंड नहीं। ऐनी चीज तुसी समझ आ गई होनी हुण तक, ठीक है कि ए ते बी दे विचकार एक तो इलावा कोई भी सांझा गुणन खंड नहीं है, ठीक है जी। हुण आपां क्या करांगे फिर हुण ये जो ए उलट हो गया, देयरफोर ए जो उलट है अपां उपर मन्या सी के दोनों दे विचकार कोई एक होर सांझा गुणन खंड है, तो आपां नूं ये क्यों मिलिया, क्योंकि यह उलट इस लई प्राप्त होया है के है के नहीं क्योंकि, क्योंकि शब्द बन जाएगा इत्थे, या आप बिकॉज भी कह दें इनू, है क्योंकि, क्योंकि इस नूं नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि आपां जो उपर है असी एक गलत गल मननी सी, त्रुटि वाली गल मननी सी, गल मननी सी कि अपने मन्या सी ना कि रूट फाइव एक परमेय संख्या है। हुण जो अपने सारा किता वो इसी सिट्टे ते किता कि रूट फाइव एक परमेय संख्या शुरू च मन्या अपने है, ठीक है। उस दे नतीजे अपन क्या मिलिया, त्रुटि वाली गल प्राप्त हो गई। इस तो त्रुटि वाली गल मनी तो अपन नतीजा की मिलिया कि ए ते बी दे विच एक तो इलावा कोई सांझा गुणन खंड नहीं है, पर अपन उपर मन्या सी भी ए ते बी दे विच एक सांझा गुणन खंड है, तो इस करके अपन कह सकते हाँ देयरफोर असी ये लिखनी है लाइन तुसी ये है सिट्टा कढ़दे हाँ हाँ कि क्या है जो गल मननी सी अपन ने वो गलत है, यानी रूट फाइव एक परमेय संख्या नहीं एक परमेय संख्या है अपरमेय संख्या है अपरिमेय यही अपने प्रूव करना सी।
सही प्रूव करने वास्ते अपन गलत चीज़ मननी पई। ठीक है जी, ए सी तुहाडा क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ए जो उपर दित्ती थ्योरम है या प्रमेय है 1.3 इनू बार बार यूज़ करांगे अपां, तो इस करके इनू लिखा जाने देने हैं। हुण तुहाडा क्वेश्चन नंबर जो है 2, वो भी इसी तरह का है। सिद्ध करो करो के 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, हुण उस तरह आपां मान लवांगे इसका हल क्या है या सिद्ध क्या है इसका। मान लो 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। उस तरह मान लिया अपन ने, सारी चीज़ें उस तरह होनगियां है। ठीक है, तो देयरफोर असी 2 सह अपाज संख्यावां जो आपस विच संख्यावां ए अते बी भी जिथे, ये जरूर लिखना है जी, जिथे बी इज नॉट इक्वल टू 0 इस तरह तरह लेने हाँ के जो ये 3+2√5 है ये बराबर हो गया जी ए बटे बी दे। ठीक है जी, और हूँ जे आप सॉल्व करिए तो देयरफोर ए बटे सॉरी देयरफोर ए 3 उधर चला जाएगा, 2√5 जो बराबर क्या रह गया ए बटे बी -3 दे। ठीक है, 2√5 देयरफोर बराबर हो जाएगा ए -3b/3 ना सॉरी बी दे, ये बी एलसीएम ले लिया, इनू सॉल्व कर लिया अपन ने। ठीक है जी, हूँ ये दोनों इधर ले जाएंगे, रूट एक पासे रख लेंगे क्योंकि रूट अपन ने खत्म करना है। रूट 5 बराबर ए -3b/b हो गया, 3b/ ए 2 इधर चला गया, 2b हो गया। ठीक है, हूँ अपन ने कहा है ये इत्थे ही आ जाएगा सारा, क्योंकि बिकॉज ए अते बी संपूर्ण संख्यावां हन देयरफोर ए -3b/2 एक परिमेय संख्या हो गई है। फिर ठीक है, हूँ अपन ने प्रूव किया है कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, पर अपन ने देयरफोर इत्थे
इत्थे लिखांगे आपां रूट फाइव एक परमय संख्या है। पर ए जो है उलट हो गया, बट परंतु परंतु यह इस दे उलट हो गया है कि रूट फाइव ये अपने पहला प्रूव किया एक अपरमय संख्या है, ठीक है। तो देयरफॉर जे ए एक अपरमय हो गया तो दो रूट फाइव भी एक अपरमय, देयरफॉर दो रूट पांच भी एक अपरिमेय संख्या है। जे ए अपरमेय होगी तो दो रूट फाइव अपरमेय हो गया, तो इस करके तीन रूट फाइव तीन प्लस दो रूट फाइव देयरफॉर तीन प्लस दो रूट फाइव भी एक अपरमेय संख्या है। यही अपने प्रूव करना सी, ठीक है जी। हुण बच्चो जो नैक्सट है ये तुसी उतार लो, नैक्सट क्वेश्चन करांगे आपां क्वेश्चन नंबर थ्री। हुण प्रश्न थ्री विच जो है चलो प्रश्न थ्री भी तुहानूं करके दिखा दिंदे हां। प्रश्न थ्री दा जो पहला भाग है ये कह रहे जी सिद्ध करो कि हेठ लिखिया संख्यावां अपरमेय हन। जो पहला भाग है वह किनूं प्रूव करना है, अपने एक वटे रूट दो नूं अपरमेय सिद्ध करना, ठीक है। हुण आपां प्रूव करांगे कि एक वटा रूट दो जो है एक अपरमेय संख्या है। ये भी उसी तरह मान लो उल्टा मानांगे आपां, मान लो लो एक वटा रूट दो एक अपरमेय एक बटा दो रूट एक परमेय संख्या है। ठीक है जी, ये उस तरह अपने उल्ट मान लिया एक परमेय संख्या है, तो इस तरह सह पाद संख्यावां देयरफॉर सह आवां ए अते बी इस तरह लईए जिथे कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। देयरफॉर एक वटा रूट दो बराबर की दे हो गया जी ए वटा बी दे,
देयरफोर रूट दो कि बराबर रह गया जी, ए उल्टा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई नाल बी बटा ए। ठीक है, हुण आपां ने मन्निया है क्योंकि ए अते बी संपूर्ण संख्यावां हन, देयरफोर बी बटा ए एक परिमेय संख्या है। देयरफोर जब बी बटा ए एक परिमेय संख्या होगी तो रूट बटा रूट दो भी, देयरफोर रूट दो भी एक परिमेय संख्या है। परंतु अपना उल्ट मन्या है, परंतु यह जो है इस दे उल्ट है के रूट दो एक अपरी संख्या है। ठीक है जी, देयरफोर एक वटा रूट दो एक जो है अपरिमेय, एक वटा दो रूट एक वी एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, ये आ गया समझ प्रश्न तीन का पहला पार्ट। हूँ प्रश्न तीन का आप दूजा पार्ट करांगे जो कि हैगा इत्थे देखते हैं आपां घट तो घट लिख सकीए दूजा पार्ट, ये हो गया सत रूट पंच। ठीक है, हुण ये भी उस तरह होगा बच्चो, शॉर्टकट अपनाइए आपां इत्थे सत रूट पंच एक अपरिमेय संख्या है, ये भी उस तरह हुण इत्थे हो जाएगा सिर्फ एक वटा रूट दो दी जगह आपां कर देंगे जी सत रूट पंच। ठीक है, हुण इत्थे रूट पंज रह जाएगा कला तो इत्थे बन जाएगा ए बटा बी ही रहेगा क्योंकि उधर अपने उल्टाया सी तो ए बन गया ए बटा ए सत जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, ए भी इसी तरह हो गया, ए तो संपूर्ण संख्यावां हो गई हैं, देयरफोर ए बन गया जी ए बटा सत भी एक परिमेय संख्या है, देयरफोर बचा की सी इत्थे रूट पंज, रूट पंज भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु यह इस दे उल्ट हो गया है कि रूट पंज एक अपरिमेय संख्या है, देयरफोर असी ये कह सकते हाँ कि सत रूट पंज वी एक अपरिमेय संख्या है। इत्थे वी शब्द जरूर लाना है, देखो सत रूट पंज वी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चो, ये हो गया तुहाडा दूजा पार्ट तीजे प्रश्न का। हुण आपां करांगे तीजा भाग, तीजा भाग क्या है छे प्लस रूट दो, वर्डिंग उही रहनी है सिर्फ नंबरस चेंज हो जाएंगे। इत्थे आपां कर देंगे छे प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है, ए लाइन उदा ही रहेगी बी नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ ए क्या बन गया जी
इनू कट के आपां ये कर देंगे, 6+√2 बराबर हो गया ए बटा बी दे, तो इत्थे रह गया √2। हुण इत्थे बी दा बी रहेगा, ए 6 जो है इधर आके माइनस हो गया। ए बटे बी संपूर्ण संख्यावां हन, देयरफोर ए बटा बी -6 हो जाएगा। इत्थे एक परिमेय संख्या है, देयरफोर एक परिमेय संख्या हो गई, देयरफोर √2 बचे इत्थे, 5 दी जगह कट के आपां कर देंगे √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, पर यह इस दे उल्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या है। देयरफोर असी यह सिट्टा कढ़दे हाँ, देयरफोर 6+√2 भी एक परिमेय संख्या है। यही अपन ने प्रूव करना सी, ठीक है जी। ये हो गई है तुहाड़ी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। जे तुहानू ये समझ आई होवे तां इहनू ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक शेयर करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों नू साडा जो है चैनल सबसक्राइब कराओ, तां जो उन्हां दा भी भला हो सके, ठीक है जी। अगले वीडियो च फिर मिलांगे एक नवी एक्सरसाइज दे नाल, उदों तक गुड बाय, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।